मॉर्निंग टू ऑल गाइस, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्स की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, टू की पावर ज़ीरो इसको हम वन लिख देते हैं, थ्री की पावर ज़ीरो इसको वन लिख देते हैं, या थ्री अपॉन टू की पावर ज़ीरो है तो उसको भी हम वन लिख देते हैं। ये वन होता क्यों है? किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो वन होता क्यों है? अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वन किस तरह से बन के आता है। तो इससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आओ अब हम देखते हैं कि एक्स की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन क्यों होता है। अब एक बात बताइए पहले आप मुझे कि y में से y को माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा नहीं, ठीक है? इसी तरह से मेरे पास ये x की पावर ज़ीरो है, मैं x की पावर ज़ीरो है, ज़ीरो की प्लेस पर y माइनस y लिख सकता हूँ, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर y इंटू x की पावर माइनस y, ठीक है? अब इसी तरह से ये x की पावर y मैंने एज इट इज़ रखा, इसको मैं नीचे लेकर चला जाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब पावर पॉजिटिव हो गई ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू वन। तो एक्स की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू जो है वो वन के बराबर होगा, ठीक है? इस तरह से हम देख लेते हैं कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो वन क्यों होता है, ठीक है गाइस? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।